हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं कि मोबाइल के साथ में पढ़ाई कैसे करें। जब मोबाइल होता है तो पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उसी में लगे रहते हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन इस समय में मोबाइल से भी तो नहीं अलग हो सकते, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडी हो रही है आजकल। तो मोबाइल को ऐसा भी नहीं हो सकता कि विदाउट मोबाइल के ही पढ़ लें, तो इसीलिए मोबाइल हमारे साथ होता है तो पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा कौन सी स्थिति होगी जिसमें हम मोबाइल के साथ भी पढ़ सकते हैं? तो एक ऐसा सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ। मुझे मोबाइल से कोई भी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, तो ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं आप लोग भी, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, तो यहाँ पे आसानी से आप देख लेना। तो सबसे पहले करोगे क्या कि आपके जो भी एप्स हैं, काटना नहीं है किसी को भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किसी को काट देना है ना, कुछ नहीं काटना, सब कुछ चलाना है। चलाना एक टाइम से है, लेकिन करना क्या है आपको वो समझ लीजिए। मोबाइल के साथ में पढ़ाई इफेक्टिव होगी, यकीन मानिए, बिकॉज ऑफ मैं भी करता हूँ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी किसी भी ऐप से, चाहे कोई सा भी ऐप हो, ठीक है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आते हैं, किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन आते हैं तभी आप उस ऐप में अंदर घुसते हो। तो करना क्या है, उस ऐप को आपको नहीं खोलना, कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर चले जाइए और अपना डाटा ऑन कर दीजिए। डाटा ऑन करते ही आपके कुछ ऐसे ऐसे, मेरे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, केवल यूट्यूब का है, तो उसी का आएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है, तो नोटिफिकेशन जितने भी आपको दिख रहे हैं उस पर क्लिक करो। ये सेटिंग का आइकन दिखेगा, सेटिंग के आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे देख सकते हो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अलग अलग नोटिफिकेशन भी हैं। तो आपको ऑल पे बिल्कुल क्लोज कर देना, इससे ऐप आपका कुछ बंद नहीं होगा, ऐप ऐसा ही रहेगा। सिर्फ हो कितना जाएगा, इससे बंद कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। यानी कि जब भी आप डाटा ऑन करोगे तो जो आपको पढ़ना है केवल उसी में जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आ गया तो आप नोटिफिकेशन के साथ में किसी ऐप में चले गए और उसमें कितना टाइम वेस्ट हो गया पता ही नहीं चला। तो ऐसा कभी नहीं होगा, जो भी आपको करना है जब भी टाइम मिले तो जब जौन सा ऐप आपको यूज़ करना हो उसमें डायरेक्ट चले जाओ और देख लो क्या क्या हो रहा है उस ऐप में, है ना, जो ज़रूरी हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा, इसीलिए नोटिफिकेशन तुरंत बंद कर दीजिए इफेक्टिव स्टडी के लिए। तो पॉइंट आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।